ਖੇਲਾ ਬਗਿਆੜਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਬਗਿਆੜਾਂ ਦੀ ਫੱਟ ਟੁੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮੈਂ ऐसी ऐसी गल कर जाऊंगा कि तुसी कहोगे यार ये आप नहीं बोलदा इहदे अंदर कोई फकीर बोलिया है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का नंबर वन विलन जिसे पाकिस्तानी अमरेश पुरी कहा जाए तो गलत ना होगा। पिछली चार दहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाला वर्सटाइल लेजेंड फनकार शफकत चीमा ओए गुजरां दी गैरत नु जदों भी ललकारा वज्जिया है गुजर कब्रां चोट के बाहर आ गए ने कुत्तियो। आज की हमारी वीडियो शफकत चीमा की जाती जिंदगी फनी सफर के मुतालिक है। शफकत चीमा जो कि कुरान पाक के हाफिज हैं, ना सिर्फ हाफिज बल्कि बहुत अच्छे कारी और नातख्वां भी हैं। शफकत चीमा आलमे दीन बनना चाहते थे लेकिन फिल्मों में विलन बन गए, मगर कैसे? स्क्रीन पर विलन के रूप में नजर आने वाले शफकत चीमा जाती जिंदगी में यकसर मुख्तलिफ हैं। पिछली चार दहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले शफकत चीमा 1955 को लाहौर में पैदा हुए। पूरा नाम हाफिज शफकत हुसैन चीमा है। उनके वालिद आलमे दीन थे तो वालिद के नक्शे कदम और उनकी निगरानी में मदरसा जामिया नईमिया से कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू कर दिया। कुरान पाक को हिफ्ज करने के बाद बतौर कारी अपने वालिद के साथ अटैच हो गए, लाहौर से तालीम हासिल की। शफकत चीमा ने कभी सोचा भी न था कि वो फिल्मों में आएंगे। एक बार शफकत चीमा अपने दोस्त के हमरा शाह नूर स्टूडियो गए और स्टूडियो के अंदर की दुनिया को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि शफकत चीमा के लिए सब कुछ मुख्तलिफ था। मदरसा और मस्जिद में रहने वाला एक नौजवान लड़का जब फिल्म स्टूडियो पहुंचा तो वहाँ की दुनिया को यकसर मुख्तलिफ पाया। दिल ही दिल में फिल्मों में काम करने का शौक पैदा हुआ, मगर वो खुद हाफिज कुरान और एक आलमे दीन के बेटे थे, ये सब कुछ करना आसान नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद शफकत चीमा ने अपने ख्वाब की तकमील करने का फैसला किया और फिल्मों में काम करने की जदोजहद में लग गए। मुख्तलिफ फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाना शुरू कर दिए जहाँ वो छोटे मोटे काम करते रहे। ये जदोजहद 12 साल जारी रही। बिलाखर 12 सालों बाद शफकत चीमा को सुल्तान राही के तवस्सुत से फिल्मों में काम करने का मौका मिला। पहली फिल्म 1989 में रिलीज हुई जिसका नाम था कालका, जिसमें सुल्तान राही और अंजुमन मेन किरदार में थे, जबकि शफकत चीमा इस फिल्म में विलन के रोल में नजर आए। अपनी पहली ही फिल्म में बेहतरीन विलन का किरदार निभाया। हर कोई हैरान हो गया क्योंकि शफकत चीमा ने अपने शख्सियत के मद्दे मुकाबल इस करेक्टर को निभाया था। यहाँ से सुल्तान राही और शफकत चीमा के दौर का आगाज हुआ। दर्जनों फिल्मों में दोनों ने एक दूसरे के मद्दे मुकाबल काम किया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को शफकत चीमा के रूप में एक नया विलन मिल चुका था। पहली फिल्म कालका में शफकत चीमा ने जब विलन के रूप में फिल्म सर अंजुमन को उठाया तो अजीबोगरीब वाकया पेश आ गया। फिल्म सर अंजुमन जो कि पंजाब की रवायती जट्टी के रूप में देखी जाती थी, जिसकी जिसामत भी कदरे भारी और पुरकशिश हुआ करती थी, जब शफकत चीमा ने विलन का किरदार निभाते हुए रवायती तौर पर फिल्म हीरोइन को उठाया तो ऐसा करने से शफकत चीमा को कमर में दर्द शुरू हो गई, जिसे पंजाबी जुबान में चुक भी कहते हैं, और इस वाक्य ने फिल्म में मजाक किसी कैफियत पैदा कर दी। शफकत चीमा अदाकारी में सुल्तान राही और यूसुफ खान के बहुत बड़े मदा थे और इस बात पर आज भी फख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने उस वक्त के सुपरस्टार्स के साथ काम कर रखा है। दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, हम तेरे थप्पड़ का जवाब भी एहो देगा। इसी के साथ साथ शफकत चीमा और सुल्तान राही के बीच बहुत गहरी और अकीदत और एहतराम का रिश्ता भी कायम हो चुका था। सुल्तान राही शफकत चीमा पर बहुत ज्यादा शफकत भी किया करते थे। अगर बात की जाए शफकत चीमा की चंद फिल्मों की तो उनके नाम है गॉडफादर जो 1992 में रिलीज हुई, फिल्म जमीनो आसमान और गुंडा राज 1994 में, मुंडा बिगड़ा जाए 1995 में, चूड़ियां 1998, मूसा खान 2001, तूफान 2002, फिल्म मजाजन 2006 में रिलीज हुई, बोल 2011 में, साया खुदाए जुलजलाल, पर्ची, रॉन्ग नंबर समेत पाकिस्तान में बनने वाली सबसे बड़ी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट में भी काम किया। जड़ी बार बार कहनी है ते समझनी है, असी वसानी है पैन, पैन वसानी है, ओए असी भरा दा जख्म ते सह सकने आ पर उजड़ी पैन दी अख दा अथरू नहीं देख सकते। अब बात करते हैं शफकत चीमा की जाती जिंदगी और उससे रिलेट चंद दिलचस्प बातों के मुतालिक। शफकत चीमा की जिंदगी के दो खतरनाक वाकयात, जिनमें पहला वाकया उमर शरीफ की फिल्म मिस फितना जो 1994 में रिलीज हुई। उमर शरीफ ने शफकत चीमा से कहा कि अगर आप एक रिस्की सीन अदा कर दें तो मैं आपको इस फिल्म में मेन विलन कास्ट करूंगा। वो सीन जहरीला किरदार था जिसमें शफकत चीमा ने तकरीबन 150 सांपो को अपने गले में डालकर कैमरे के सामने आना था। जब शफकत चीमा ने शॉट कामयाबी से अदा कर दिया तो फिल्म डायरेक्टर ने बताया इस फिल्म के मेन विलन तुम नहीं बल्कि हुमायूं कुरैशी हैं, जिस पर शफकत चीमा गुस्से में आ गए। उसने एक सांप को पकड़ा और मुंह में डाला और दांतों से काट दिया।
और गुस्से से सेट से चले गए, लेकिन घर जाते ही बीमार हो गए क्योंकि सांप का जहर शफकत चीमा के पेट और मैदे में चला गया था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल भी पहुंच गए। एक हफ्ता हॉस्पिटल जेरे इलाज रहे। जबकि दूसरा वाकया, फिल्म दिल संभाला ना जाए, जिसके डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी थे। ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई। इस फिल्म में भी शफकत चीमा मौत के मुंह से बाहर आए। इस फिल्म का एक सीन था कि साउद और शफकत चीमा ने रावल डैम में पानी के अंदर एक दूसरे से लड़ाई करनी थी, लेकिन शफकत चीमा को तैराकी नहीं आती थी। शफकत चीमा पानी में पत्थर के ऊपर खड़े थे। दरअसल वो पत्थर नहीं बल्कि मिट्टी का तोदा था जो पानी के साथ जमा हुआ था। जब साउद ने उस तोदे के ऊपर छलांग लगाई जो कि सीन का हिस्सा था, तो उस पर वजन पड़ने की वजह से वो तोदा टूट गया और दोनों पानी के अंदर चले गए। साउद को तो तैराकी आती थी, वो ऊपर आ गया, मगर शफकत चीमा नीचे रह गए। जब शफकत चीमा ने साउद को पकड़ना चाहा, तो साउद ने अपनी जान बचाते हुए शफकत चीमा को पीछे धकेल दिया, जिस वजह से शफकत चीमा डूबने लगे और पानी के बहाव की वजह से दूर निकल गए। इसी दौरान शफकत चीमा के भाई नदीम चीमा ने अपने भाई को बचाने के लिए छलांग लगाई, मगर वो भी तैराकी नहीं जानते थे, वो भी शफकत चीमा के साथ डूबने लगे। फिर वहाँ एक बंदा फरिश्ता बनकर आया और उसने दोनों भाइयों को बाहर निकाला। शफकत चीमा को अल्लाह पाक ने जब छठी बेटी की रहमत से नवाजा, यानी लगातार 6 बेटियां पैदा हुई। जब छठी बेटी पैदा हुई तो इसी परेशानी के आलम में स्टूडियो गए। वहाँ सुल्तान राही से मुलाकात हुई। सुल्तान राही ने परेशानी की वजह पूछी तो शफकत चीमा ने बताया कि उसके यहाँ 6 बेटियां पैदा हो चुकी हैं, मगर अभी तक कोई भी बेटा पैदा नहीं हुआ। खैर, सुल्तान राही ने यह बात सुनी और उठकर स्टूडियो के अंदर मौजूद मस्जिद में चले गए। वहां जाकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गए। कुछ वक्त के बाद जब सुल्तान राही मस्जिद से बाहर आए तो माथे पर मिट्टी भी लगी हुई थी। सुल्तान राही ने आकर कहा कि परेशान मत हो, इससे अगली औलाद बेटा होगा। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, अब तुम्हारे यहाँ बेटे की पैदाइश होगी। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह पाक ने शफकत चीमा को बेटे की नेमत अता की। शफकत चीमा ने बेटे का नाम शहरयार चीमा रखा और कुदरती तौर पर शफकत चीमा के उस इकलौते बेटे की शक्ल अपने बाप की बजाय सुल्तान राही जैसी लगती है। लाहौर में अपने प्रोडक्शन हाउस की बुनियाद रखी, जिसका नाम चीमा फिल्म प्रोडक्शन रखा। अपनी प्रोडक्शन में फिल्म जियो सर उठाकर रिलीज की, जिसमें शहरयार चीमा को मुतारिफ करवाया। अपने फिल्मी कैरियर में बहुत रिस्की सीन अक्स बंद करवाए, जिनमें एक सीन ऐसा भी था कि शफकत चीमा ने शेर के साथ लड़ाई करनी थी और इस सीन के दौरान शफकत चीमा की हकीकत में टांग टूट गई। चूंकि शफकत चीमा हाफिज़े कुरान, कारी और नात ख्वां भी हैं, तो इसी मुनासबत से वो अक्सर मुख्तलिफ महफिलों में देखे जाते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आख्या उठबो तेरी नींद नालो नमाज बेहतर। महफिल मिलाद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में नाशरी भी पढ़ते देखे जाते हैं। शफकत चीमा की आवाज भी बहुत अच्छी और बुलंद है। इस वक्त शफकत चीमा साहब की उम्र तकरीबन 66 साल है। आज भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और विलन के रूप में देखे जाते हैं। शफकत चीमा का शुमार मौजूदा दौर के सीनियर और वर्सटाइल फनकारों में होता है। विलन के किरदार में शफकत चीमा का कोई भी सानी नहीं। लाहौर के पोश इलाके में पुरसकून, पुर आसाइश और मुतमईन जिंदगी बसर कर रहे हैं। आलीशान घर और उसमें मौजूद एक से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां भी हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं। शफकत चीमा दीनी और खिराती कामों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक शफकत चीमा को हर किस्म की मुसीबत परेशानी से महफूज रखे और सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर लाजमी आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जीउंदी रहे, जीउन जोगी है, जीउंदी रहे, सानू सीधे रस्ते ते ला के साडे ते बड़ा बड़ा एहसान कीता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोज के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोज हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोज का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।